उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने करहल से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी अखिलेश के बहनोई के बारे में क्या कुछ बोल दिया है। दरअसल डिंपल यादव शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मैनपुरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिंपल ने कहा कि मैं समझती हूं कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और जो सभी समाज को लेकर चलने की आज बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। सपा की जाति आधारित जनगणना कराने की हमेशा से मांग रही। भाजपा पर निशाना साधते हुए डिंपल यादव ने कहा कि ये लोग जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे। मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में करहल से ही नहीं पूरे प्रदेश से, जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं 10वीं सीट पर चुनाव कराने की बात यह लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। यह उनकी दोगली बातों को दर्शाता है। करहल को काफी हार्ड सीट माना जा रहा है। इस सीट पर भाजपा की ओर से अखिलेश यादव के रिश्तेदार अनुजेश को उतारने पर डिंपल यादव ने कहा कि मैं समझती हूं कि यह एनडीए और पीडीए की लड़ाई है, यह विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई है, यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान परेशान हैं, लगातार सभी के साथ अन्याय हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। मेरा मानना है कि इस चुनाव में पूरा करहल एकजुट होकर दिखाई देने वाला है। इसके अलावा डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा के द्वारा जो भ्रम और देश को बांटने की राजनीति की गई, वह सभी के सामने उजागर है। हमने पिछले चुनाव में देखा कि सभी लोग त्रस्त हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का काम किया। वहीं परिवारवाद के सवाल पर डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा के सभी सांसद और मुख्यमंत्रियों को देखें, अगर हम आकलन करेंगे तो सबसे बड़ा परिवारवाद कहीं अगर नजर आता है तो वह भाजपा में है। मैंने पहले ही कहा कि यह एनडीए और पीडीए के बीच की लड़ाई है। पीडीए बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश और एएमयू के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ हजारों करोड़ रुपए की बात हुई थी कि प्रदेश में निवेश आ रहा है, लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, तो आज उन एमओयू की स्थिति क्या है? यह समझ आ गया है कि एमओयू केवल हवा हवाई बातें थी, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। अब जनता इस सरकार को हटाने के लिए तैयार है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।